हेलो बीएचयू एंट्रेंसर्स, आप सब बीएचयू एंट्रेंसर्स हैं, मतलब आप पीएचयू एंट्रेंस देंगे और यहाँ एडमिशन लेंगे। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पे आपको एक बात दावे के साथ और विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आप में मेहनत है और आपने कड़ी मेहनत की, कड़ी प्रैक्टिस की और हर सिलेबस के हर डायमेंशन को कवर किया, तो आपको यहाँ एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता और आप यहाँ एडमिशन ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी ऐसे बच्चों के लिए बनी है जो कि काफ़ी मेहनती हैं और फोकस्ड रह के अपनी स्टडी पे ध्यान देते हैं। हमारा ये पूरा चैनल इसी चीज़ को डेडिकेटेड है। हमने अपने इस चैनल पे हर सेक्शन और हर एंट्रेंस के पार्ट को डिवाइड कर रखा है, बीएचयू बीए एलएलबी, बीए बीएचयू बीए और बीएचयू बीए आर्ट्स सोशल साइंस, बीएससी बीएससी एग्रीकल्चर। हर लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है, तो दिल थाम के बैठिए। दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर्स बताता हूँ, क्योंकि मुझे एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है अपने इस यूनिवर्सिटी में। मुझे पाँच छः साल हो चुके हैं और मैंने यहाँ बीए आर्ट्स में एडमिशन भी लिया था और अभी जिस कोर्स में हूँ उसमें मेरा रैंक 1 है। तो मुझे एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से तैयारियां की जाए ताकि आपके रैंक जो है डिसाइडिंग हो, साथ ही साथ आप हॉस्टल मिले और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट में रह के आप अपने कैरियर को बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा सकें। तो सबसे पहले इस चीज़ को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, सबसे पहले हमें ये सीखना चाहिए कि हमें सीखना कैसे है। फर्स्ट वी हैव टू नो, वी हैव टू लर्न हाउ टू लर्न। हमें कैसे सीखना है, इसके कहने का मतलब क्या है? किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले हमें ये सीखना चाहिए कि उसको क्रैक कैसे किया जाता है। क्रैक करने के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, कोई भी कर सकता है उसे। और एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, बहुत लड़के ऐसे होते हैं वो कहते हैं हमें बीएचयू में एडमिशन लेना है, हमें एंट्रेंस देना है, हमें एग्ज़ाम देना है, हमें क्वालिफाई करना है। दोस्तों, ये सारी बातें भूल जाइए। आप अपने आप को ये कहिए हमें बीएचयू में एडमिशन लेना नहीं है, हमें बीएचयू में एडमिशन लेना ही लेना है। उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा जिन्होंने ये कह दिया सिर्फ लेना है। आपको ये कहना पड़ेगा कि हमें एडमिशन लेना ही लेना है और मैं लेकर रहूँगा, जिस तरह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। हम अपने हिस्ट्री सेशन में उनके बारे में और पढ़ेंगे, उन्होंने स्वराज के बारे में कहा था। तो हमें एडमिशन लेना ही लेना है और ये सेशन सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो एंट्रेंस देने वाले हैं। बहुत ही बोल्ड सेशन है और आप इसमें कमेंट करके जिस तरीके के भी हेजिटेशन हो, आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, हमारा ये चैनल फ्री है, सारे सब्जेक्ट के और सारी चीज़ों की तैयारी यहाँ फ्री कराई जाएगी, आप रेगुलरली विजिट करें। तो चलिए शुरू करते हैं अच्छे तरीके से। हमें एडमिशन लेना नहीं है, लेना ही लेना है, ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ये सीखेंगे कि हमें सीखना कैसे है। इसके पहले स्टेज में हम आप बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आप बीएचयू जो भी एंट्रेंस देना चाहते हैं उसके 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, अगर आपके पास टाइम की कमी है, क्योंकि हमारा टारगेट है 14 तारीख आज है, अगले 4 महीने के जो 14वीं तारीख होंगे या 15वीं तारीख होंगे, उस टाइम तक आपकी जो तैयारी है वो इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आप ये एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाएं। हमारा मेन मोटो है 4 महीने में बीएचयू एंट्रेंस को कैसे क्लियर करें। दोस्तों, ये बहुत ही फैंटास्टिक थिंग है और ये हर कोई करता है, कोई भी इसके लिए बहुत ज़्यादा दिन 5 साल 6 साल नहीं पड़ता है, 4 महीने जो है वो बहुत ही सफिशियंट टाइम है। तो आप इस 4 महीने का जो अप्रैल मई तक आपके एग्जाम हो जाते हैं, मई एडमिट कार्ड आ जाएगा, अप्रैल में मई तक आपके सिलेबस हर हाल में ख़त्म हो जाने चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है, हमारे पास टोटल 4 महीने हैं। 4 महीने के लिए तैयारी शुरू कैसे करें, तैयारी शुरू कर दिया तो उसे फास्ट कैसे करें, फास्ट कर दिया है अगर तो फिर एडमिशन पक्का कैसे करें, इस चीज़ को हम देखेंगे। सबसे पहले 4-5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको आराम से जाके देखिए, डाउनलोड कीजिए bhuonline.com। अगर आपको डाउनलोड करने में दिक्कत है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके बिंदास आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। सबसे अच्छी, सबसे सिंपल वे है ये। उसके बाद अगर 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर में किसी पार्ट में दिक्कत है या फिर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं कीमती, तो हमारे इसी चैनल पर हर पार्ट के क्वेश्चन पेपर, चाहे वो बीएचयू एलएलबी हो, बीएससी हो, बीएससी
एग्रीकल्चर हो, बीए आर्ट्स सोशल साइंस हो, हर साल के क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, जाइए उसे विजिट करिए, आराम से वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। हर क्वेश्चन के लास्ट में मैंने ये तक कर दिया है कि ये बायोलॉजी के किस पार्ट से पूछा गया, ये फिजिक्स के किस पार्ट से पूछा गया है, ये हिस्ट्री के किस मॉडर्न हिस्ट्री से है या एंशियंट हिस्ट्री से है। जो साइंस वाले हैं बच्चे, उनके लिए साइंस में ये करेक्टराइज कर दिया गया है कि वो साइंस का कौन सा पार्ट है, कौन सा सेक्टर है, उस सेक्टर को देखें, आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। दोस्तों आप अगर खुद से तैयार करोगे तो उसमें ये हो सकता है कि आप सेक्टराइज ना कर पाओ। सबसे जरूरी चीज़ यही है, उससे आपको एक बेटर आइडिया लगेगा कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। हमारा एम क्या है, 4 महीने में एंट्रेंस क्लियर कराना। फिर आते हैं अपने टाइम को डिवाइड करें, आप टाइम को डिवाइड इस सेंस में करें, जो आपका वीक सब्जेक्ट है, वीक पोर्शन है, उसको पहले पढ़ें, उसकी सिलेबस पहले कंप्लीट करें। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका वीक सिलेबस क्या है, वीक पार्ट क्या है। मैं टाइम टाइम से सर्वे डालता रहता हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, उस पर आप क्लिक करें। आपका हिस्ट्री वीक है, ज्योग्राफी वीक है, मैं वो डेफिनेटली वीडियो डालूंगा, ये मेरा वादा है। रूटीन एक सेट करें दोस्तों, अगर आप रूटीन पे बिलीव करते हैं तो ही सेट करिएगा, अदरवाइज अगर आप लगातार बैठ के 5 घंटा पढ़ने वाले इंसेक्ट हैं, कीड़े हैं, अगर आप में ये कीड़ा है अंदर, तो आप डेफिनेटली बैठ के गो फॉर इट, आप जाके आराम से पढ़ सकते हैं। उस सब्जेक्ट को क्लियर करने के बाद दूसरे सब्जेक्ट पे जाएं। अगर रूटीन सेट करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करने के बताएं, अगर आपसे रूटीन सेट नहीं होता है मैं आपको करके बताऊंगा कैसे करना है। टाइम को जरूर डिवाइड करें कि 3 महीने के अंदर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, लास्ट के 30 से 40 दिन आपको बचा के रखने हैं प्रैक्टिस के लिए। दोस्तों हम बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लॉन्च करेंगे, लेकिन उस प्रैक्टिस सेट को लगाने से पहले, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो और एग्जाम हॉल में आप के 10 से 12 नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ें, इसके लिए हम वो प्रैक्टिस सेट लॉन्च करेंगे आप ही लोगों के डिमांड पे, और उचित टाइम पे लॉन्च करेंगे जब आप लोगों की स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। इसके पहले प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सेट लॉन्च होने के बाद उसके सॉल्यूशन देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और ढेर सारा रिविजन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये हमारा मेन फोकस है, हमारा सारा फोकस है एडमिशन तक पहुँचाना आपको, ये नहीं कि बस तैयारी करा दिए, पैसे हट लेते हैं लोग और उसके बाद फिर हाल चाल भी नहीं पूछते हैं। और दोस्तों एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अपने स्टडी टाइम में ऑन स्क्रीन स्टडी को वैल्यू दें। ऑन स्क्रीन क्या होता है, यूट्यूब पे पढ़ लिया आपने, ये ऑन स्क्रीन स्टडी हुई, कहीं इंटरनेट से सर्च कर लिया, ये ऑन स्क्रीन स्टडी हुई। 2 से 3 घंटे आप रेगुलर हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा विजिट ना करें, क्योंकि आपको फिर एंजाइटी होने लगेगी, या फिर अगर एग्जाम टाइम है तो आप और देर विजिट करें, बाकी टाइम में विजिट ना करें, बुक्स के सहारे ज़्यादा पढ़ना कोशिश करें। हमारे इसी चैनल पर हर सब्जेक्ट का, हर विषय का, चाहे वो साइंस का हो, लॉ का हो या फिर किसी और का, सबके बुक लिस्ट दे दिए गए हैं। बीए आर्ट्स सोशल वालों के लिए तो मैंने यहाँ तक कर दिया है कि मैथ्स के लिए क्या क्या सेक्टर से सवाल पूछा जाता है, रीजनिंग से क्या पूछा जाता है, किस सेक्टर से और कितना और कौन सा बुक पढ़ें। इंग्लिश के लिए क्या पूछा जाता है, इंग्लिश के लिए सारे कोर्सेज हमने लॉन्च कर दिए हैं, जीएस के लिए सारे कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, और साइंस वालों ने साइंस के सारे कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट्स के लॉन्च कर दिए गए हैं, तो उसे आप रेगुलर विजिट करें, आपकी तैयारी इन सब के थ्रू बहुत ही बेहतरीन होगी। लास्ट में साइंस वाले, आर्ट्स वाले, एलएलबी वाले सारे जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से बहुत ही ज़्यादा रैंक बढ़ता है और चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए इतने दिन बढ़ा के रखें, आप कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर और कैसा वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।